नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। रात भर चले इस ड्रामे के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई। सदन में हाथापाई और मारपीट भी हुई। आप और बीजेपी पार्षदों ने एक दूसरे पर बोतलें फेंकी। बीजेपी और आप नेताओं ने हंगामे के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। उधर बीजेपी पार्षदों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए मेयर शेली ओब्रॉय ने नुकसान करने वालों से वसूली करने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी मेयर उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने पोडियम तोड़ा। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आप उम्मीदवार शेली ओब्रॉय नई दिल्ली की मेयर बन गई हैं और शेली ओब्रॉय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया है। शेली ओब्रॉय को 150 वोट मिले जबकि रेखा गुप्ता को सिर्फ 116 वोट मिले। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लेकिन जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ दोनों दलों के पार्षदों में विवाद हो गया। स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति के चुनाव में जबरदस्त हंगामा हुआ। रात भर कभी एक घंटे तो कभी आधे घंटे के लिए सदन स्थगित किया जाता रहा और उसके बाद भी चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। कल शाम को स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई थी। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की तरह ही इसमें वोटिंग भी सीक्रेट तरीके से की जानी चाहिए थी, लेकिन आम आदमी पार्टी से नवनिर्वाचित मेयर शेली ओब्रॉय ने पार्षदों को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति दी ताकि क्रॉस वोटिंग की आशंका को खारिज किया जा सके। ऐसे में कई पार्षदों ने अपने बैलेट पेपर के फोटो भी खींचे। बीजेपी ने इसका विरोध किया, लेकिन तब तक 47 वोट पड़ चुके थे। 47 वोट डालने के बाद मेयर ने तय किया कि अब फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने अब पूरी वोटिंग नए सिरे से करवाने की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जो वोट अब तक डाले गए वो नियम अनुसार सही नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि ये सीक्रेट वोटिंग का उल्लंघन है। वहीं मेयर इस बात पर अड़ी रही कि पहले वाले वोट दोबारा नहीं डाले जाएंगे। उनका कहना है कि उनके पास अब इतने वैलिड पेपर नहीं बचे हैं कि पूरे पार्षद वोट डाल पाए। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच विवाद का मुख्य वजह यही है। इससे पहले सदन में हंगामा इतना बढ़ गया था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में हाथापाई तक हो गए। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें भी फेंकी। बोतल वॉर शुरू होते ही कुछ पार्षद सदन से बाहर निकाले गए तो कुछ पार्षद टेबल के नीचे छिपकर बचते दिखे। कई माननीय इस लड़ाई में खुलकर हाथ आजमाते दिखे। आपको बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। श्रीराम कॉलोनी वार्ड से आमिल मलिक, फतेहनगर वार्ड से रमिंदर कौर, सुंदर नगरी वार्ड से मोहिनी जीनवाल और दरियागंज वार्ड से सारिका चौधरी आपकी उम्मीदवार है। द्वारका वी वार्ड से कमलजीत सेरावत और झिलमिल वार्ड से पंकज लूथरा भाजपा के उम्मीदवार है। वहीं निर्दलीय पार्षद गजेंद्र सिंह दराल जो भाजपा में अब शामिल हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि मेयर का चुनाव हो जाने के बाद अब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कब तक हो पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।